क्लास फिफ्थ। टुडे वी रिवाइज द चैप्टर नंबर 11, डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट होम्स। ओके क्लास फिफ्थ, नाउ वी रिवाइज द चैप्टर डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट होम्स, चैप्टर नंबर 11। तो इसमें सबसे पहले व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ होम। Home is the place where we feel the most comfortable. We feel safe and secure. We can relax, sleep, eat and spend time with our family and friends. जो home है वहाँ पर हम सबसे ज़्यादा protection feel करते हैं. The place is very much comfortable, very much secure and safe for every person of the family. First, we all thank God for this beautiful house in which we have to live. A beautiful house for all the facilities that you have in your life. A beautiful house that God is given to you. Thank God always for the home. Houses are made different type in different places. Four factors which is influence the houses, the type of houses. First is diverse weather condition and landform at different places. अलग अलग places पर अलग अलग weather condition होती हैं, अलग अलग landforms होती हैं, तो उसी के हिसाब से घर बनाए जाते हैं, होम्स बनाए जाते हैं. रॉ मटेरियल रेडीली अवेलेबल इन दैट एरिया. रॉ मटेरियल जो आराम से वहाँ मिल सके उसके हिसाब से भी हाउस बनाए जाते हैं. फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ए पर्सन, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर. अगर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस कम है तो वो महंगा घर नहीं बना सकता. तो फाइनेंशियल स्टेटस इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ बिल्डिंग टाइप ऑफ हाउस. कल्चरल प्रेफरेंस एंड एस्थेटिक सेंस, कल्चरल आपका कैसा है, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये भी आपकी हाउस की स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है कि आप किस तरह के हाउस को पसंद करेंगे. तो सबसे पहले है हाउसेज अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशन. इसमें हम पढ़ेंगे हिली एरियाज़ हाउस, हॉट एरियाज़ हाउस, फ्लड प्रोन एरियाज़ हाउस, अर्थक्वेक प्रोन एरिया हाउस, कोस्टल एरिया हाउस, मूवेबल हाउस एसेट्रा. हिली एरियाज़ में किस तरह के होते हैं. हिली एरियाज़ में द हाउस इन हिली एरियाज़ जनरली हैव स्लोपिंग रूफ्स. जैसे मैंने अभी आपको बताया था हिली एरिया जो कि कोल्ड वेदर वाले होते हैं उनमें स्लोपिंग रूफ्स बनाई जाती है. सो दैट द स्नो ऑन द स्लिप्स साइड ऑफ इजीली, जिससे कि उनके ऊपर की जो वो है स्नो है, अगर स्नोफॉल हो रहा है तो जो स्नो है वो आराम से क्या हो सके, वहाँ से स्लाइड हो सके, वहाँ से निकल सके. ये देखिए ये हिली एरियाज का है, ये देखो इसमें स्लोप वाली रूफ बनाई हुई है. तो ये ज़्यादा स्नोफॉल होगा तो वो स्नो यहाँ पर जम जाएगी, अगर स्नोफॉल कम हो रहा है तो वो स्लाइड होकर इसके ऊपर से हट जाएगी, वो नहीं जमेगी. दिख रहा है आपको, ये देखिए स्लोप वाली, ये हिली एरियाज की है. अब कोल्ड एरियाज में ये इग्लू, दिस इज इग्लू एंड मेड अप ऑफ आइस. ये आइस की बना हुआ इग्लू है, बट दिस इज वेरी वेरी वार्म देन आवर सीमेंटेड हाउस. ये हमारे सीमेंटेड हाउस से भी ज्यादा वार्म होता है. कोल्ड एरियाज में प्यूपिन लिविंग इन आर्टिक एरियाज में जो लोग रहते हैं, जैसे अलास्का है, ग्रीनलैंड है, इसमें इग्लूज बनाए जाते हैं. इग्लू का जो अंदर का टेम्परेचर होता है ना वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहता है, और आउटसाइड का टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक है. यानी कि एकदम कोल्ड रीजन, एकदम आइसी रीजन, बिल्कुल बर्फ से जमा हुआ,
-40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, बट इग्लू के अंदर का टेम्परेचर कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख रहे हैं कितना चेंज है इसके अंदर। अब है हॉट एरियाज। हॉट एरियाज में कैसा होता है? द हाउस इन वेरी हॉट एरियाज लाइक डेजर्ट। डेजर्ट में जो हॉट एरियाज होते हैं वहाँ के जो हाउसेज है उनमें थिक वॉल्स होती हैं, मोटी दीवारें, मड की बनी हुई, मिट्टी की बनी हुई, और फ्लैट रूफ्स होती हैं। हमने हिली एरियाज में देखा स्लोपिंग वाली रूफ है, और जो हम हॉट वाला रीजन देख रहे हैं उसमें आपकी, जैसे हमारे राजस्थान में है, उसमें क्या है, ये डेजर्ट एरिया है हमारे घरों की। और भी जब बीकानेर साइड में जाएं तो मड की बनी हुई या फिर सीमेंट की बनी हुई मोटी दीवारें होती हैं और फ्लैट रूफ्स होती हैं। और ये जो मोटी दीवारें हैं, ये जो कैसी दीवारें हैं, थिक वॉल्स हैं, वो क्या करती हैं, वो अंदर के एटमोसफेयर को कूल रखती हैं, कूलिंग द इनर साइड ऑफ द हाउस। हाउस के इनर साइड को कूल रखती हैं। इसमें जो विंडोज हैं वो स्मॉल्स रखते हैं, और वेंटिलेटर्स जो है, वेंटिलेशन जो होते हैं, वो भी हम स्मॉल साइज के रखते हैं। क्यों रखते हैं? जिससे कि बाहर का जो हॉट टेम्परेचर वाली विंड है, हॉट विंड है, वो कम से कम अंदर आ सके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? आप देखिए आगे। ओके बेटा, तो अब आगे देखिए, फ्लड प्रोन एरिया, जहां पर की बाढ़ आती है। फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़, ज्यादा बारिश के कारण। तो यहाँ पर हाउस कैसे होते हैं? यहाँ पर जो हाउस हैं फ्लड प्रोन एरियाज में, हाउस जो होते हैं उनकी स्लोपिंग रूफ्स होती है, जस्ट लाइक हिली एरियाज हाउसेस। स्लोपिंग रूफ होती है टू लेट द रेन स्लाइड ऑफ। वहां पर तो हम किसको स्लाइड कर रहे हैं? वहां पर हम स्नो को स्लाइड ऑफ कर रहे हैं, और यहाँ पर फ्लड वाले एरियाज में हम रेन को स्लाइड ऑफ करने के लिए जो हाउस की रूफ है उसको स्लोपिंग बनाएंगे। ये देखिए, ये स्लोपिंग वाली क्या बन रही है, स्लोपिंग वाली रूफ बन रही है। जब हैवी रेन आएगी तो इस पे से स्लाइड ऑफ हो जाएगी, जिससे कम से कम छत पे तो पानी नहीं जमा होगा। ठीक है, और ये जो आपके वो होते हैं हाउसेज होते हैं वो अबव द ग्राउंड लेवल होते हैं, यूजिंग स्लिट्स। स्लिट्स को यूज करके, किसी चीज को यूज करके ये जो आपके वो होंगे हाउसेज होंगे वो ग्राउंड से ऊपर होंगे। ऊपर होने से क्या होगा, अगर बारिश के पानी से फ्लड आने लगेगा तो ये आपके, बारिश का पानी जब आएगा तो ग्राउंड लेवल से जब ऊपर के हाउस हैं तो इनमें फ्लड वाटर एंटर नहीं होगा। तो दिस प्रोटेक्ट द फ्लड वाटर फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। ये अबव द ग्राउंड होते हैं, सो एंटरिंग द हाउस फ्लड एंटर नहीं होगी हाउस में। तो इस तरह के हाउस बनाए जाते हैं कहाँ पर? फ्लड प्रोन एरियाज में, अबव द ग्राउंड एंड विद स्लाइडिंग रूफ्स टू रेन स्लाइड ऑफ, एंड अबव द ग्राउंड टू चेक द फ्लड वाटर फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। तो ये आपके हो गए 3 टाइप्स के। अब आपके आता है अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। अर्थक्वेक जानते हैं आप, भूकंप। अगर आपके अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर कैसा होता है? हाउसेज आर मेड अप ऑफ वुड इन द अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। यहाँ पर जो हाउसेज होते हैं वो वुड के बने हुए होते हैं, और वुड के बने हुए होने की वजह से क्या होता है, ये लाइट वेटेड होते हैं। अगर कभी अर्थक्वेक ज़्यादा रेंज का आया और ये अगर रूट ऑफ हो गए, यानी कि ये उखड़कर गिर गए, तो डैमेज कम होगा, क्योंकि इनमें वेट कम है। किसी के ऊपर गिरेंगे तो दूसरी चीज़ को ये डैमेज नहीं करेंगे। अब इसका दूसरा रीजन भी है, बिकॉज वुड इज चीपर मटेरियल एंड इजियर टू यूज, सो वुडन हाउस कॉज लेसर डैमेज टू लाइफ एंड बिलोंगिंग्स टू पीपल लिविंग इन देम। तो अगर
अर्थक्वेक वाले एरियाज में हमने कैसा बनाया है, हाउस, हाउस बनाया हुआ है वुड का। तो एक तो वुड जो है वो चीप होती है, चीप मटेरियल है, सीमेंट बजरी वगैरह के हिसाब से ये चीप होता है, तो हमारा हाउस लो कॉस्ट में तैयार हो जाएगा। दूसरा, ये लाइट वेटेड होता है तो डैमेज होने पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा लिविंग पीपल को भी, और उसके अंदर जो बिलोंगिंग्स है उसके अंदर रहने वाले हैं उनको और उनके सामानों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब आपको ये बताया जा रहा है कि अगर अर्थक्वेक वाला एरिया है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो उसमें आप किस किस चीज़ का ध्यान रखकर कंस्ट्रक्शन करें। तो फर्स्ट जो है वो है मिनिमम यूज ऑफ ग्लास, ग्लास का मिनिमम यूज करें, बिकॉज ग्लास इज इजीली क्रैक बाय अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से इजीली क्रैक होगा। और वहाँ के रहने वाले जो चीज़ें हैं, वहाँ के रहने वाले चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे ह्यूमन बीइंग हैं, उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो विंडोज़ वगैरह में और डोर्स में और बाकी वेंटिलेटर वगैरह में ग्लास का मिनिमम यूज़ करना चाहिए। एंटायर कंस्ट्रक्शन शुड बी ए सिंगल स्ट्रक्चर, और कंस्ट्रक्शन जो है वो सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में होना चाहिए। आपको ज़्यादा जोड़ वाली चीज़ें नहीं बनानी चाहिए, ज़्यादा जोड़ तोड़ नहीं करना चाहिए, सिंगल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि वो जल्दी से अर्थक्वेक से डैमेज ना हो। डोर एंड विंडोज टू हैव फास्टनर्स, मतलब डोर और विंडो तुरंत खुलने वाले होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उसको खोल रहे हैं, खोलते रह गए और इतने में अर्थक्वेक से सारा कुछ डैमेज हो गया। फटाफट खुल जाए जिससे आप उसमें से आराम से निकल के अपने आप को सेव कर सके। लोकली अवेलेबल मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, जो आपका लोकल मटेरियल है, आसपास मिलने वाला अवेलेबल मटेरियल है, उसको यूज करके ही आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, क्योंकि वो उस अर्थक्वेक प्रोन एरियाज के अकॉर्डिंग होता है। और दूसरा, आपको ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वो आपको चीप मिलेगा, सस्ता मिलेगा, इजीली अवेलेबल होगा और आपको फटाफट वो कंस्ट्रक्शन करने में हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट है आपका कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में कैसे हाउस होते हैं? द हाई वेव्स राइजिंग डू नॉट अलाउ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में हाई वेव्स उठती हैं, यानी कि पानी की बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, जिससे कि वहाँ पर परमानेंटली आप परमानेंट हाउस नहीं बना सकते, आपका हाउस उन वेव्स के, हाई वेव्स से डैमेज हो सकता है। द राइजिंग वेव कैन वॉश आउट हाउसेज इन मिनट्स। इतनी हाई लेवल की ये वेव्स होती हैं, इनमें इतना ज़्यादा करंट होता है, इतना ज़्यादा इनकी स्पीड होती है कि मिनट्स के अंदर आपके हाउस को डैमेज कर सकती हैं। सो द हाउसेज आर मेड ऑफ वुड रीड एंड लीव्स। तो जो हाउस हैं वो आपके वुड के बने हुए होते हैं। देखिए, ये वुड का हाउस है। इस तरह के हाउस होते हैं अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में भी और कोस्टल एरियाज में भी। ये देखिए, ये बांस से लगे हुए हैं ना, इसको रीड कहते हैं। ये देखिए, धारी धारी सी, और ये वुड की बनी हुई इसकी रूफ है। इस तरह के आपके हाउसेज होते हैं विच कैन बी रीबिल्ट विद इन लेस एक्सपेंडिचर एंड एफर्ट्स, और जिनको हम तुरंत दोबारा से ज़्यादा समय लगाए बिना, ज़्यादा एफर्ट किए बिना दोबारा से बना सकते हैं। तो इस तरह के हाउस बनते हैं कोस्टल एरियाज में, वुडन हाउस।